ओके भाई लोग, स्वागत है उनके इस नए गेम प्ले चैनल में, जहाँ पे आज हम खेलने वाले हैं एक्यूनेटर। एक्यूनेटर एक एआई बॉट है। एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बॉट यानी रोबोट। एक्यूनेटर क्लेम करता है कि ये दुनिया की हर एक चीज को गेस कर सकता है, हर एक चीज को। टुडे इज अ दीपावली, ओके सॉरी, विशिंग यू वेरी हैप्पी दीपावली। आपको और आपके फैमिली को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सो इन दिस दिवाली मैं कुछ कुछ फटाकों से खेल रहा था। आई रियली लव प्लेइंग विद फटाके। सुतली बॉम्ब इज वन ऑफ माई फेवरेट। एंड मैं सोच रहा था कि क्या एक्यूनेटर सुतली बॉम्ब को गेस कर पाएगा। आई डोंट नो, चलो देखते हैं। कम ऑन, लेट्स गो। डज इट वर्क विद इलेक्ट्रिसिटी? सुतली बॉम्ब इलेक्ट्रिसिटी पे तो वर्क नहीं करता। कैन वी इजिली ऑप्टेन टू बाइंग इट? क्या हम इसको खरीद सकते हैं इजिली? हाँ, खरीद सकते हैं। डज इट हैव रिलेशन विद फूड? नो। इज इट सॉफ्ट? सुतली बॉम्ब तो सॉफ्ट तो नहीं होता है। नो। इज इट बिगर देन अ फुट? सुतली बॉम्ब इज एक्चुअली लेस देन फुट। इज इट अ टॉय? सुतली बॉम्ब इज अ खिलौना? आई एम नॉट रियली श्योर, ओके लेट मी गूगल इट। इज सुतली बॉम्ब इज अ टॉय? नो, सुतली बॉम्ब इज नॉट अ टॉय। डज इट हैव रिलेशन विद स्कूल? नो, सुतली बॉम्ब इज नॉट रिलेशन विद स्कूल। नो। इज इट समथिंग वी वेयर? क्या ये पहनने की चीज है? नहीं, ये पहनने की तो चीज नहीं है। सुतली बॉम्ब कोई पहन नहीं सकता। नो। डज इट कंटेन लिक्विड? आई डोंट नो यार, मुझे लगता है ना कि उसमें कुछ तो बारूद होता है। मुझे इतना तो पता है कि सुतली बॉम्ब में लिक्विड तो नहीं होता है। इज इट मेड ऑफ मेटल? ओके, सो दीज आर द सुतली बॉम्ब। आई एम प्रीटी श्योर ये मेटल से तो नहीं बनता है, ये कुछ धागो से बनता है। इज इट मेड ऑफ पेपर? ना, ये पेपर से भी नहीं बना हुआ रहता है, ये धागो से बना हुआ रहता है ना। क्या इसमें पेपर इन्वॉल्व होता है? ना, पेपर यूजली ब्रांडिंग के लिए पेपर इन्वॉल्व हो सकता है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि सुतली बॉम्ब बनाने के लिए किसी पेपर की जरूरत होती है। नो नो, नथिंग रियली आर्ट। इज इट मेड ऑफ प्लास्टिक? इज सुतली बॉम्ब मेड ऑफ प्लास्टिक? सुतली बॉम्ब मेड ऑफ जोइट ट्विन, यानी सुतली, दैट इज ग्रीन इन कलर। नहीं, सुतली बॉम्ब इज नॉट मेड ऑफ प्लास्टिक। कैन वी प्ले विथ इट? क्या हम इसके साथ खेल सकते हैं? हाँ, हम इसके साथ खेल सकते हैं। यस। डू वी यूज इट फॉर स्पोर्ट्स? क्या हम इसको एज अ स्पोर्ट्स के हिसाब से खेल सकते हैं? फटाके फोड़ना एक तरह से स्पोर्ट्स नहीं माना जाता है। डज इट हैव रिलेशन विद वीडियो गेमर्स? फटाके फोड़ना या सुतली बॉम्ब फोड़ना एक तरह से फन पार्ट होता है, बट इट्स नॉट काइंड ऑफ लाइक अ कनेक्ट विद द वीडियो गेम। एंड नो नो नो। इज इट आउटसाइड? इट्स आउटसाइड का मतलब क्या होता है? ये बाहर है? इससे बाहर का मतलब मुझे नहीं पता। I don't know। इज इट नेचुरल? क्या ये नेचुरली पाया जाता है? हाँ, ये नेचुरली पाया नहीं, ये नेचुरली तो नहीं पाया जाता, इसको बनाया जाता है। सो इज इट इलेक्ट्रॉनिक? नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है बाबा। नो। इज इट डेंजरस? यस, इट्स अ वेरी डेंजरस, लिटरली। डज इट एक्सप्लोड? क्या ये फूटता है? हाँ, ये फूटता है, यस। इज इट इन द स्काई? क्या ये आकाश में जाके फूटता है? तो नहीं, इट्स नॉट इन द स्काई, ये एक तरह से जमीन में फोड़ा जाता है, सो नो। डज इट हैव फिंगर्स? अब ये फिगर्स का मतलब क्या होता है? क्या इसमें आंकड़े है? आंकड़े? आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा इसका मतलब क्या होता है। आई एम नॉट रियली श्योर, आई से आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है। डज इट हैव रिलेशन विद द नाइट? ओ या, मोस्ट ऑफ द टाइम सुतली बॉम्ब को रात में फोड़ा जाता है, सो या। डज इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया? यस। फायर क्रैकर? हाँ, ये फायर क्रैकर है, बट ये सुतली बॉम्ब नहीं है डूड। ना ना ना, मुझे सुतली बॉम्ब चाहिए। लाइक बेसिकली ना, सुतली बॉम्ब कुछ ऐसा होता है, ये होता है सुतली बॉम्ब, ओके, ये वाला सुतली बॉम्ब होता है। ये सुतली बॉम्ब नहीं होता है, ये ना ना ना, लाइक आई एम नॉट रियली सैटिस्फाइड विद दिस रिजल्ट, ओके, आई एम गोना ट्राई दिस थिंग, मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू? यस। डज इट ओरिजिनेट फ्रॉम रशिया? नो। डज इट मूव फास्ट? क्या ये तेज चलता है? नो, ये तेज तो नहीं चलता, ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है। नो। इज इट यूज ओनली ड्यूरिंग द सर्टन पीरियड ऑफ ईयर? यस। इज इट मैक्सिकन? नो, ये मैक्सिकन भी नहीं है बाबा। डज इट बिलोंग इन किचन? ये किचन में नहीं पाया जाता है, और नो, ओके, किचन में आप सुतली बॉम्ब नहीं फोड़ सकते, क्योंकि वहां पे सिलेंडर होता है और गैस होती है, सो ट्राई नॉट टू डू दैट। नो। इज इट लॉन्च इनटू एन एयर? नहीं, लॉन्च यानी क्या, ये हवा में जाके फूटता है? नो, ये हवा में जाके नहीं फूटता है। इज इट ब्राउजर गेम? नहीं बाबा, ये इंटरनेट नहीं, ये गेम नहीं है, ये एक तरह से फन चीज है सुतली बॉम्ब फोड़ना, सो नो। कैन इट कंटेन पिक्चर? इसमें पिक्चर नहीं होते बाबा, ये एक तरह से, नो, इट्स नॉट, इट डज नॉट कंटेन एनी पिक्चर, ओके, नो।
Does it have strings? Okay, now it's good. So strings यानी धागा. So हमारे जो सुतली बम होता है ये एक तरह से धागे से बना हुआ रहता है. Is it mostly for girls? ना, सुतली बम लड़कियों के लिए नहीं बनाया जाता है, वो तो लड़कों के लिए बनाया जाता है. Mostly लड़कियां भी फोड़ती है सुतली बम, but no, it's mostly for boys. Okay. Does it make pop sound? It's not pop sound. Okay, जब सुतली बम फूटता है ना तब ऐसा बड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, बूम. But still एक पॉप साउंड कभी कभी सुतली बम कोई भी फुस्सी हो जाते हैं तो वो बस हल्के से पॉप कर जाते हैं. डज इट हैव रिलेशन विथ स्टेज शो? स्टेज शो, क्या स्टेज शो में सुतली बम फोड़ा जाता है? स्टेज शो में क्या होता है ना, जब कैसे कोई एक्टर या एंकर या व्हाटएवर हूएवर द पर्सन जिसकी ग्रैंड एंट्री करवानी है तो उसके ऐसे नहीं क्या ऐसे स्टेज पे ऐसे कुछ ऐसे लाइक अनार टाइप कुछ तो लगाते हैं जिससे एक तरह से लाइक सब कुछ एकदम. बट यूजुअली स्टेज पे सुतली बॉम्ब तो नहीं फोड़ा जाता है, वहां पे कुछ दूसरे फटाके होते हैं लाइक अनार. तो नो, इट डज नॉट रिलेशन विद स्टेज शो. नो. बैंगर, इसने बैंगर बोला यार. बैंगर एक तरह से वो भी एक तरह से सुतली बॉम्ब नहीं कह सकते क्योंकि ये जो बैंगर होता है ना इसमें एक तरह से इसमें धागा नहीं होता है, इसमें पेपर से लिपटा हुआ छोटा सा बॉम्ब होता है जिस तरह से लक्ष्मी बॉम्ब होता है उस तरह से. आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड. मुझे लगता नहीं कि शायद एकिनेट इसको ढूंढ पाएगा, बट मैं फिर से और एक बार ट्राई करूंगा. आई थिंक इट्स बैंगर. नो, इट्स नॉट अ बैंगर. आई जस्ट वॉन्ट टू कंटिन्यू. मुझे देखना है कि क्या ये सुतली बॉम्ब को गेस कर पाता भी है या नहीं. कैन वी use it for tying something? क्या हम इसी किसी चीज को tight कर सकते हैं? No. Does it use ink? क्या ये शाही का इस्तेमाल करती है? No. ये शाही का इस्तेमाल नहीं करती है? No. Does it light up? क्या ये lighten up यानी एक तरह से इसे प्रकाश छोड़ता है वगैरह, something like that? Yes. तरह से bomb फटता है तो थोड़ा सा प्रकाश की किरणें आती है ना, so yes. Can it fly? क्या ये उड़ता है? नहीं, ये उड़ता तो नहीं है. Is it hot? Hot यानी गर्म. जब सुतली बॉम्ब फूटता है तब वो एक तरह से गर्मी पैदा करता है, सो यस, इट्स हॉट. इट कैन बी पिंक? नहीं बाबा, ये पिंक में नहीं होता है. सुतली बॉम्ब एक तरह से ग्रीन कलर में होता है. इज इट यूज विथ हैंड? लाइक बेसिकली हाथों का तो इस्तेमाल किया जाता है इसको फोड़ने के लिए, सो या इट्स वी कैन यूज हैंड. यस. इज इट बैटल? क्या यह एक लड़ाई है? नो, ये लड़ाई तो नहीं है. नो, इट्स नॉट लड़ाई. सुतली बॉम्ब एक लड़ाई नहीं हो सकती है. नो. डज इट इमिट लाइट? क्या ये प्रकाश की किरणें छोड़ता है? हाँ, ये प्रकाश की किरणें छोड़ता है. यस. इज इट हाई? क्या ये ऊंचा है? हाई यानी ऊंचा? ना, ये ऊंचा तो नहीं है. ये सुतली बॉम्ब बस इतना सा होता है, हार्डली एक इंच का होता है, सो इट्स नॉट दैट हाई. नो. स्पार्कल्स? नहीं बाबा. मुझे सुतली बॉम्ब चाहिए डूड, सुतली बॉम्ब. ओके, आई डोंट थिंक, मुझे लगता नहीं कि एकिनेटर सुतली बॉम्ब को गेस कर पाएगा. ओके, इसने तीन रिजल्ट मेरे सामने दिए. पहला रिजल्ट था फायर क्रैकर, दूसरा रिजल्ट था बैंगर और तीसरा रिजल्ट है स्पार्कल्स. ये तीनों एक तरह से रिलेट करते फायर क्रैकर के लिस्ट में, बट वो सुतली बॉम्ब नहीं है यार. सुतली बॉम्ब एक तरह से लाइक सुतली बॉम्ब होता है. इट्स अ फकिंग सुतली बॉम्ब. आपको पता है कि सुतली बॉम्ब क्या होता है. सो आई थिंक इट्स अ स्पार्कल्स. स्पार्कल्स यानी एक तरह से फुलझड़ी. ये ना, मैं फुलझड़ी के बारे में तो नहीं बात कर रहा है. नो. सो आई थिंक इट्स अ स्पार्कल. नो. डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस. ओके. डज इट कम फ्रॉम इंडिया? यस. डज इट मेक अ नॉइस? यस. डज इट हैव रोप्स? रोप्स यानी उसमें क्या होता है, स्ट्रिप्स वगैरह होता है. हाँ, इसमें रोप्स होता है. यस. डज इट हैव रिलेशन विद फायर? क्या ये आग से रिलेट करता है? हाँ. यस. कैन इट बी किल? क्या ये लोगों को मारती है? लोगों को नहीं मारती है. आई एम प्रीटी श्योर दैट कि अगर आप प्रॉपर सेफ डिस्टेंस से आप इसको फोड़ने की कोशिश करोगे तो यू आर फाइन. और अगर सुतली बॉम्ब आपके हाथ में भी फूट जाता है तो मैक्स टू मैक्स आपको ये इंजर्ड करेगा, ये आपको मार नहीं देगा. कैन वी फाउंड इन द स्काई? क्या हम इसको आकाश में ढूंढ सकते हैं, फोड़ सकते हैं? नो, इट्स नॉट. ओके, हम लाइक आई ऑलरेडी मेंशन, नहीं, इसको मैं ग्राउंड पे फोड़ा जाता है. नो. कैन इट बी फाउंड एज अ पाउडर? क्या इसे पाउडर के रूप में पाया जा सकता है? नहीं बाबा, ये पाउडर के रूप में. नो. कैन इट बी बॉट इन सेक्स शॉप? नो. और ये सेक्स शॉप में नहीं मिलता है, सो नो. डज इट हैव रिलेशन विद रिलीजन? मोस्टली हिंदू रिलीजन में दिवाली सेलिब्रेट की जाती है. हाँ. इज इट हैव रिलेशन विद रिलीजन? यस. इज इट मेड ऑफ म्यूजिक? नो, ये म्यूजिक से तो नहीं बना हुआ रहता है. नो. कैन वी बाय इट? क्या हम इसको खरीद सकते हैं? यस. इज इट लोकेट इन पेरिस? नो. इज इट ब्राउन? नो, इट्स नॉट अ ब्राउन, क्योंकि सुतली बॉम्ब ग्रीन होता है. डज इट प्रोड्यूस एन एक्सप्लोशन? एक्सप्लोशन यानी एक तरह से विस्फोट. यस, इट्स दिस काइंड ऑफ लाइक अ प्रोड्यूसिंग लिटिल बिट
विस्फोट या डज इट लुक लाइक पाइप, यानी जिस तरह से लक्ष्मी बॉम्ब होता है वो एक तरह से पाइप की तरह दिखता है, बट ये पाइप की तरह नहीं दिखता ये। डज इट मेंट टू बी थ्रोन, क्या हम इसको फेंक सकते हैं? इट्स नॉट मेंट टू बी थ्रोन, ओके, इसको फेंका नहीं जाता है, ओके, नो। डज इट सेंड समथिंग, इट डज नॉट सेंड एनीथिंग। डज इट लाइट विथ लाइटर, क्या हम इसको एक तरह से लाइट कर सकते लाइटर से? हाँ, लाइटर से, फुलझड़ी से, अगरबत्ती से, माचिस से, या डज इट कॉस्ट मोर देन $100? नहीं डूड, हार्डली। अगर एक सुतली बॉम्ब लेता हूँ तो करीब ₹60 में एक पूरा पैकेट आ जाता है, उसमें करीब 6, तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये $100 को तो नहीं लगता। इट्स $100 ने बहुत ज्यादा होता है, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, सो नो। डज इट राउंड? यस, इट्स राउंड। इज इट ऑफ वेरी बिग कैलिब्रेट, क्या यह बहुत बड़ी क्षमता का है? लाइक बेसिकली अगर आप कंपेयर करो न्यूक्लियर बॉम्ब और सुतली बॉम्ब, तो वो कंपेरिजन काफी रॉन्ग होगा, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब काफी बड़ा होता है, सुतली बॉम्ब काफी छोटा होता है, और उसका इम्पैक्ट भी उतना ही छोटा होता है। नो, इट्स नॉट दैट, ये इतनी बड़ी क्षमता का तो नहीं है, इट्स नो। फाइनली इसने गेस किया, इट्स अ सुतली बॉम्ब। ऑलराइट, इसने ऑलमोस्ट लाइक 70 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे मुझे कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस थिंग, और ये सुतली बॉम्ब को भी गेस नहीं कर पा रहा है, उसको उस सुतली बॉम्ब को भी एक तरह से लाइक बेसिकली वो इमेज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। हाँ, इसने सोचा कि ये सुतली बॉम्ब है, बट व्हाटएवर, मुझे ऐसा लगा कि ये शायद नहीं गेस कर पाएगा, लेकिन इसने गेस किया। सो दिस इट, कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करो, एंड अगेन विशिंग यू वेरी हैप्पी दीपावली। अगर आपको अच्छा लगा तो दिवाली समझ के आप लाइक कीजिए, ओके, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो, एंड दिस इट, एंड बाय नाउ।